रामानंद सागर की रामायण की जब जब बात होती है तो जहन में राम सीता से लेकर रावण तक हर किरदार का चेहरा उभर कर सामने आ जाता है। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को तो लोग आज भी राम सीता के रूप में ही पूजनीय मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का रोल निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी को लोग असल जीवन में भी रावण जैसा ही मानने लगे थे? क्या आप जानते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं? दरअसल रामायण में रावण की गर्जन को कौन भूल सकता है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले अरविंद त्रिवेदी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पराया धन से की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा कई गुजराती फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान कायम की। अरविंद त्रिवेदी ने करीब 300 फिल्मों में काम किया। गुजराती सिनेमा में अरविंद त्रिवेदी जाना माना नाम है, लेकिन लोग आज भी उन्हें रामानंद सागर के रावण के रूप में ही जानते हैं। उन्हें लोकप्रियता ही इसी रोल में मिली थी। रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी को देख लोग आज भी यही कहते हैं कि रावण का रोल उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था। लोग तो असल जीवन में भी उन्हें रावण समझने लगे थे। वैसे अरविंद त्रिवेदी रावण का रोल नहीं करना चाहते थे। एक इंटरव्यू में अरविंद त्रिवेदी ने बताया था कि वो तो रामानंद सागर के केवट का रोल मांग रहे थे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी। स्क्रिप्ट पढ़कर अरविंद त्रिवेदी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चल दिए। रामानंद सागर को न जाने उनमें क्या दिखा और बस अरविंद को रोककर बोले कि उन्हें अपना लंकेश यानी रावण मिल गया है। अरविंद त्रिवेदी ने कई डायलॉग्स भी नहीं सुने थे, ऐसे में उनका चौंकना लाजमी था। वो रामानंद सागर से बोले कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। इस पर रामानंद सागर ने कहा कि वो उनकी चाल ढाल देखकर समझ गए कि वही उनका रावण बन सकते हैं। उन्हें रामायण के लिए ऐसा रावण चाहिए जिसमें बुद्धि बल हो और मुख पर तेज। दिलचस्प बात यह है कि रामायण में सबसे बड़े खलनायक यानी रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी असल जीवन में राम भक्त और सोशल वर्क करने वाली संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। गुजराती सिनेमा में अहम योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले और गुजरात सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। अरविंद त्रिवेदी साल 1991 में गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर संसद भी पहुंचे। अब अरविंद त्रिवेदी 81 साल के हो चुके हैं और चलने फिरने में असमर्थ। फिलहाल वो घर पर ही हैं और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब उनका ज्यादातर वक्त राम नाम जपने में बीतता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।